24 घंटे धन कैसे दिखता है? ये प्रश्न पूछने के पहले ये क्यों नहीं पूछते कि 24 घंटे धन कैसे दिखता है? कौन से गुरुओं के पास जाके विद्या सीखी थी कि 24 घंटे धन दिखना चाहिए? कितने गुरुओं के पास गए हैं? कितने क्लासें पढ़ी तुमने ये बात सीखने के लिए कि भैया ऐसा कुछ करो कि हमें 24 घंटे धन दिखने लगे? किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं करा, कोई शिक्षा नहीं ली, कोई क्लास नहीं ली, लेकिन बचपन से ऐसी प्रतीति मजबूत होती गई कि सारे सुखों का कारण पैसा है, सारे सुखों का कारण पैसा है। पापा से चॉकलेट खरीदनी है तो पैसे से आती है, ड्रेस खरीदनी है तो वो पैसे से आती है, खेल खिलौने खरीदने हैं तो वो पैसे से आते हैं, हर चीज़ पैसा। और पापा घर में आते हैं हर बात पे पैसा, मम्मी पैसा, पापा पैसा, हर आदमी पैसा। तो बच्चे को प्रतीति मजबूत हो जाती है बचपन से कि सारे सुखों की खान पैसा महान। समझ में आया कि नहीं आया? तो बस शिक्षा पूरी हो गई, उसकी अलग से कोई ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती। और वो बच्चा 15-16 साल का होता है, 11-12 साल का होता है, 10 साल का होता है तो कहता है पापा मैं बड़े होकर इतना पैसा कमाऊंगा, ढेर लगा दूंगा पैसे। यार यार तुझे ये बात किसने बताई? क्या बात करते हो पापा, मैं बच्चा नहीं हूँ। सब समझ गया कि सारा खेल पैसे का है। तो जहाँ ये प्रतीति मजबूत हुई कि ये वस्तु सुख का कारण है, वहाँ उसकी महिमा, उसमें अपनापन रहे बिना रहता नहीं। पैसे में अपनापन किसी ने कराया है क्या अपने से? जैसे ये लगा के सुखों का कारण है पर अपनापन हो गया, बोलो। जबकि वो भिन्न पड़ा रहता है, तिजोरी में पड़ा रहता है, आता जाता रहता है, 24 घंटे साथ में नहीं रहता। ऐ भगवान आत्मा 24 घंटे साथ में रहता है, मैं स्वयं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक परिपूर्ण तत्व हूँ, ऐसा भाव भाषण करने को पूछता है, इस आत्मा के दर्शन करने को पूछता है कि हमें 24 घंटे आत्मा कैसे दृष्टि में रहे? अरे भाई, जब तक ये आत्मा जैसा पैसा सुख का कारण दिखता है, ऐसा अपना भगवान आत्मा सुख का सागर नहीं दिखेगा, परिपूर्ण ज्ञायक नहीं दिखेगा, उसमें आनंद की बहार नहीं लगेगी, तब तक वो दृष्टि में आने वाला नहीं।